अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनएन 24 न्यूज के साथ मैं हूं मुल्क खोखर। में खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। डिप्टी कमिश्नर का ABCR ऑफिस का अचानक दौरा। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशाद का ABCR ऑफिस का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने कॉलोनी ब्रांच के रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लिया। ABCR DC नाम से दिगर जिला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करवाया जा रहा है, जिससे जालसाजी और फ्रॉड का खात्मा मुमकिन होगा। सबका जो फ्रॉड हुआ है, इसके मुकम्मल खात्मे के लिए रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा रहा है। रिकॉर्ड को जल्द ऐसी जल्द कंप्यूटराइज करके महफूज बनाया जाएगा। कोहाड़ में डिप्टी के जेरे सदारत अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर की जेरे सदारत अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कों को मिलकर बदर करने के हवाले से जारी करदा अहकाम की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर की जेरे सदारत जायजा अजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस प्लानिंग असिस्टेंट कमिश्नर कोहाड़ उस्मान अशरफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर फरहान मुहाजिरीन कुदरतुल्लाह मरावत, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जिला पुलिस के अफसरान और दीगर मुतलका महकमों अहकार ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ ने तमाम गैर मुल्कों को मुल्क बदर करने से के हवाले से तश्कील दी जाने वाली कमेटियों की जानब से जिला भर में मुकीम गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की मुकीमों की तफसीलात इकट्ठा करने की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ ने कमेटी मेंबरान से तमाम तफसीलात शफाफ और मुकम्मल छानबीन करके फौरी जमा करवाने के अहकाम जारी किए। मजीद डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ ने कमेटी मेंबरान की तवस्त से जिला कोहाड़ में गैर कानूनी गैर मुल्की मुकीमों को अपने मुल्क वापस जाने के हवाले से जरूरी जारी की। मरदान में थाना खड़की की हदूद में पुलिस मुकाबला। मरदान थाना खड़की की हदूद में पुलिस मुकाबला। मरदान पुलिस को मतलब मुलजिम साहब ज्यादा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मरदान मुलजिम ने गुज़िश्ता शब पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, जिससे हवालदार कायम खान गोली लगकर जख्मी हो गया। मजीद मरदान मुलजिम से असला बरामद, मजीद तफ्तीश जारी। मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर की बेटी थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड देने के लिए सिविल अस्पताल पहुँच गयी। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर की बेटी थैलेसीमिया के बच्चों को अपना ब्लड देने सिविल अस्पताल अलीपुर पहुंची। इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार खैरपुर सादत से शुबाना यासीन जैजा मोहम्मद यासीन अपने शोहर और बेटे के हमला सिविल अस्पताल अलीपुर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए अपने खून का अतिया देने पहुँच गए। शहर सुल्तान से आई बच्ची थैलेसीमिया की बच्ची को इसने अपना ओ पॉजिटिव ब्लड डोनेट किया। एक बयान में सादत शेख से बात करते हुए शुबाना यासीन ने कहा कि दूसरों के बच्चों के दुख दर्द तकलीफ को समझते हुए मैं अपना ब्लड इस बच्ची को डोनेट कर रही हूँ। इसमें अलीपुर नौजवानों को सामने आना चाहिए। ब्लड देने से कुछ नहीं होता, किसी की जान बच सकती है। PS कॉलेज में तलबा तलबात के दरमियान कंपटीशन। ओकाड़ा में DPS कॉलेज के स्टूडेंट्स का आपस में मुकाबला। ओकाड़ा DPS कॉलेज में जूनियर सेक्शन के तलबात का इंग्लिश उर्दू राइम्स कंपटीशन है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद निशान हमीद चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिस्ट्रिक्ट पब्लिक कॉलेज ओकाड़ा की हदायत पर DPS कॉलेज बॉयज सेक्शन में निम्न बच्चों में टैलेंट के निखार के लिए इंग्लिश उर्दू नज्मों पर मबनी मुकाबले का इंकार किया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग चौधरी ताहिर अमीन ने अपने खिताब में इकरार किया कि राइम्स मुकाबले में जूनियर सेक्शन के तलबा तलबात ने हिस्सा लेकर बेहतरीन परफॉर्मेंस और अपने छुपे हुए जोहर के जरिए साबित किया कि अपने आज के बच्चे जहां तलीम के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं, वहां गैर नस्ली सरगर्मियों में भी किसी से कम नहीं। लेकिन अलग में जिला सदर की इनाम खान को ओहदे पर बहाली पर मुबारकबाद। लेकिन अगर जिला सदर मलक अली सरवर खान का वक्त के हमला लकी रजिस्ट्रार इनामुल्लाह खान ने वेलकम कहा और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इनामुल्लाह खान साहब को ओहदे पर बहाली पर मुबारकबाद दी। वक्त में जिला नायब सदर जब्बार तहसील लकी सदर हाजी हमीदुल्लाह सीनियर रहनुमा हमैया खान, नायब नाजम ईसी जंग खेलन, डॉक्टर बशीर खान सनाउल्ला, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर इशफाक, PSD सेक्रेटरी जनरल लतुफ़ खानी भी हमरा थे। रजिस्ट्रार इनामुल्लाह खान साहब की बेहतरीन मेहमान नवाजी का शुक्रिया। संजोरों में खाने पीने की एशिया की कीमतों में नोटिस। संजय खाने पीने की एशिया की कीमतों के इजाफे का फौरी नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर संजय मोहम्मद जुनेस रंग ने और मुख्तार संजय अंजद अली ने अचानक जो शहर का दौरा किया। करियाना मर्चेंट की दुकानों पर छापा मार, काफी कीमत रहने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने आयद किए और सख्ती से हदायत की कि अगर आप दोबारा शिकायत आई तो दुकानें सील कर दी जाएंगी। मेडिकल स्टोर पर भी छापे लगाए। लाइसेंस देखे मेडिकल स्टोर मालकान को हदायत की के मादे खराज अद्वियात मेडिकल स्टोर में न पाई जाए, वरना इस इजाज के अलावा जुर्माने भी आयद करने होंगे। शेखुपुरा भिजरावाला रोड पर मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसद्दुम। मजीद अपडेट कर रहे हैं तारक लोधी जी, बताइएगा क्या आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको शेखपुर श्री मंडियाला स्टॉप से एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। तेज रफ्तार रिक्शा टायर फटने की वजह से उलट गया। हादसे के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतला मसूल होते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने फौरन रिस्पॉन्स करते हुए जख्मी होने वाले अफराद को फर्स्ट एड देने के बाद
DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद में शास्ता जोजा जाहिद 38 साल, मोहम्मद आजम वल्द मोहम्मद अकरम 38 साल और जैनब दुख्तर शब्बीर 23 साल शामिल हैं। जी